सरकार सदाए मानी सदाए रगड़ी, सरकार टुआने रगड़ी, इशार रगड़ी। भाई मारी मैस लिया है, मेरा है गाय लिया है, अड़े बांधा गे किसान तुम देंदा दूध दूध तो डांगरे देवेगा, गा से डीसी गिरेगा भाई और कौन गिरेगा। वो हम न कहते मुकदमा दर्ज करो, इस पर करने पर राजी नहीं है सरकार, तो अपना ये इधर ना रहेगा। अभी कुछ ही देर बाद जो किसान नेता हैं बाहर आने वाले हैं, लंबी बैठक चली है और ये वही गेट है जिस गेट से उन लोगों को आना है। उधर आप गेट के बिल्कुल पास में देखेंगे फोर्सेस को तैनात किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ किसानों ने अपनी फोर्स को भी यहाँ पर लगाया गया है। ये युवा जो यहाँ पर है एक दूसरे का आपको हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ पर इसलिए हैं कि ज़्यादा लोग उधर ना जाएं, क्योंकि फोर्स उधर खड़ी है और आपस में कोई खींचतान जैसी कोई बात ना हो। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो आप दूर दूर तक देखेंगे कि जो किसान हैं आज भी हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ किसान जो यहाँ पर हैं क्या कहोगे कल से तुंग बंदा घड़ाई दो। हाँ जी, हम जीन से जी खटकड़ टोल से। अच्छा। हाँ कल 10 बजे के आए हुए हैं यहाँ पर जी। खटकड़ वाले तो सारे लुगाइयां से समेत अड़े खड़े। हाँ जी हाँ जी, अड़े रवांगे जितने पूरी जीत नहीं होती अड़े रवांगे। हाँ ये लाग गया, सरकार माननेगी क्यों करके है? सरकार सदाए मानी सदाए रगड़ी, सरकार टुआने रगड़ी, इशार रगड़ी और सरसा रगड़ी, सरकार अड़े रगड़ के जाओगे, बिना रगड़े तो जानते ही कौन गेट आके सुधर जनानी बैठे। हाँ न्यू इलाके के यूनियन कैप तो रगड़ के जाओगे उन्हें जानते। देखिए मैं किसान रतिराम गांव गोड़ जिला सोनीपत। सरकार ने ये बताना चाहते हैं हम किसान कि हम कल जो किसानों की यहाँ जितनी भी संख्या आई थी और सरकार ने हमारी आवाज कल नहीं माननी थी, तो आज हमें उसी संख्या में आगे सरकार नहीं मानेगी। उधर से गेट खुल गया है और शायद अभी की अंदर बातचीत चली हुई है, लेकिन बाहर जो युवा खड़े हैं उनके मन में क्या है मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। भाई बात तो बड़ी लंबी चल रही है, दो दिन हो गए वैसे भी चल रही है, निपटे की क्यों करी? अब तो भी चल जा जी, कोई बेवानी अब तो भी चल जा। मैं ऐसे ले काल ला 20 दिन बाद चला लो, मां में पाछा नहीं हटांगे, सीधा साहब है भाई, बस पक्की सोच। भाई मारी मैस लिया है, मां मेरा है गाय लिया है, अड़े बांधांगे। अरे एक बात और भाई, अरे मैस भी आली रोटा भी आ लिया के ली मैं बंदरे भाई, याड़ी आली गाय भी आली पे दूध तो पियोगा, अरे चाह खातर दूध तो बनवाना है, वो तो किसान तो देंदा दूध दूध तो डांगरे देवेगा। लंबी ठीक दर क्या बस ये तो सारा सोता है, इनका तो पूरी गाय भी ले गए। हाँ हाँ वो बंदरी पीछे, अरे डीसी साहब ने इंतजाम करना पड़ा राशन रूशन का, तो घास घूस को ले और क्या करा, घास घूस को घास डीसी गिरेगा भाई और कौन गिरेगा, डीसी की जिम्मेवारी हो बुला रहे हमने तो अटक का खट्टर गिरेगा, खट्टर गाय की ठेका ले रहे थे यानी बीच में बांध देंगे, न्यूज वाले भी देखेंगे इसकी धार काट दो, ये जीवे तो सब रहा होगा, तेरे पेट में रह गया बे कुछ। मारी जिम्मेवारी तो है धार धार काटने की, बाकी मैं सन ही है संभालेंगे, दूध तो हमने पियावांगे और के है काम है, बस सारे सेवा करेंगे। या तो वो नहीं पहला सुनाया कर देख लाला जी की रे के जमींदार की वाला लाग गई थी, अग देखा कौन लंबा टाइम बैठा है, वही काम करते हैं, वही काम है, ये बिठा दिया खट्टर साहब ने, नहीं तो के काम है खेत में हमारा तो काम भाई, मारा उरे के काम है। नेट नूट बंद हो रहे हैं, रो रहे भाई पिकनिक में संदीप दुख सा तुरंत। सत्यदेव जी सबसे पहले तो बड़ा ही मतलब सौभाग्य है हमारा किसानों का कि आप जैसे चैनलों ने हमारी आवाज बुलंद की है, और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो बड़ी नेशनल मीडिया जो मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको बोला गया, उसने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटकर और आप लोगों को भले ही आपको लोग यूट्यूबर व फेसबुक पर बोलते हो, लेकिन बड़ा ही प्राउड फील शायद आप आज कर रहे हो जो हमारे देश का किसान की आज आवाज़ बुलंद करने में जो आप ये काम कर रहे हो, एक सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि इन चैनलों के माध्यम से ये किसान आंदोलन आज यहाँ से वहाँ चला गया। और दूसरी बात करें तो आज जो ये लीडर हैं, इन लीडरों की अगुवाई से आज जो किसान यहाँ पर एक कॉल पर यहाँ पर आ जाते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ ये लीडर जब जब कॉल करते रहेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा जब जब जो जो फैसला लेता रहेगा, किसान बिल्कुल आराम से शांति प्रिय। आप देख पा रहे होंगे हम क्यों यहाँ पे खड़े हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि जो पुलिस वाले भाई है सामने वो भी हमारे भाई हैं, उनके साथ कोई शरारती तत्व या सरकार का भेजा हुआ कोई व्यक्ति उनके साथ कोई शरारत न करे। और संदीप क्या है कि हम ही आड़ा न्यू खड़े हैं कि कोई पुलिस वाले का ज़्यादा ऊपर मतलब प्यार तो मन में न्यू का नहीं हुआ पुलिस वाले का। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूँ, 1908 में भी ऐसा ही आंदोलन हुआ था, वो भगत सिंह के चाचा जी ने किया था, और 1938 में
सर छोटूराम ने भी आंदोलन किया था और 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था और आज 2020 और 21 का समय है, ये किसान मजदूर आंदोलन कर रहा है, पहले भी जीत हुई थी और आज भी हमारी जीत होगी, जीत करके घर जाएंगे। उसका घाट कोई उससे घाट कोई समझौता नहीं। क्या बात हुई, कहते क्या है? वो हमने कह दिया मुकदमा दर्ज करो, इस पर करने पर राजी नहीं है सरकार, तो अपना ये इधर ना रहेगा। अभी क्या कुछ टाइम के आगे क्या कोई बात हुई? नहीं, अभी उनको बोल दिया भाई जब भी आपकी सरकार कहेगी FIR लॉज कर लो तब हम बात कर लेंगे, ऐसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं। उससे कम मानने वाले, उससे कम मानने वाला किसान नहीं। तो भाई ये जो लोग हैं आंदोलन में पहुंचे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं, कहते हैं भाई देखो बात तो बिना मनवाए नहीं जाएंगे। खैर अब देखते हैं, अभी अंदर बैठक है, बैठक के बाद क्या निर्णय होता है और उसके बाद इन लोगों के मन में क्या होता है। कैमरा सोगी रवि के साथ सत्यदेव शर्मा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।